स्वराज पार्टी का आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। बिहार में एक सबसे उभरता हुआ चेहरा पीके यानी प्रशांत किशोर अब बिहार के राजनीतिक गलियों में जो है कहीं ना कहीं गहमा गहमी मच गई है। कई सारे पार्टियां हैं, कई सारे मतलब बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सीपीआई माले हो, कई सारी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं इन पे कटाक्ष करने लगी और प्रशांत किशोर भी सब पार्टियों के ऊपर उंगली उठाने लगे। सबसे ज़्यादा इनके अगर उंगली उठाने पे निशाना अगर बन रहा है तो सबसे बड़ा जो है तेजस्वी यादव यानी आरजेडी पार्टी निशाने पे आ रही है। आखिर इसमें बात क्या है, इसके बाद के बारे में तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन आइए हम लोग जानकारी देते हैं। कहने का मतलब कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जो है वेटनरी कॉलेज यानी पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जो है सारे लोग को इनवाइट किया गया था, क्योंकि नया दल बनने वाला था प्रशांत किशोर पांडे जी का। प्रशांत किशोर जो है नया दल बनाने को लेकर के सारे लोग इनवाइट किया था वेटनरी कॉलेज में। 2 बजे से यह कार्यक्रम शुरू था, उसमें कई सारे महिलाएं, दूर दूर से महिलाएं, पुरुष और जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी मेंबर जन स्वराज के बने हुए हैं, सारे लोग पहुंच रहे थे वहां पे अपने अपने गाड़ियों से, पैदल, जैसे जिस रास्ते से अपने अपने वाहन से। तो इसमें क्या है कि एक महिला पत्रकार यानी द एक्टिविस्ट की पत्रकार है ज्योति राज, उन्होंने रिपोर्टिंग कर रहा था और सड़क पे चलते हुए रिपोर्टिंग कर रहा था। उसमें क्या है कि उन्होंने क्या क्या सवाल किया, क्या क्या बातचीत किया, उसको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा आपको। एक बार पहले सुनिए फिर मुझे बताइएगा। चलिए मैं सुना दूं। जन स्वराज का स्थापना होना है, दल बनने को तैयार है, जन स्वराज 2 अक्टूबर का दिन है, यहाँ पे देख सकते हैं लोग जा भी रहे हैं, महिलाएं भी साथ है। कहाँ चाहिए चाची? मैदनीपुर से। हाँ, मैदनीपुर से कहाँ जा रही है? मीटिंग में। मीटिंग में क्या चीज का मीटिंग? रैली। हाँ, रैली है। ककर? हमारा गाँव के मुखिया जी भेजने वाले। मुखिया जी भेजने वाले? का भेजने वाले? रैली में बस आदमी आज बार बस। चुनाव चुनाव अगला साल बा, केकरा वोट दम हो? केकरा वोट दम हो? हमारा पंचायत के जे हो ने के जेने वोट जात हो हरे न देव अपना जिले में। कौन लग रहा बिहार के लिए काम करेगा? हाँ, बिहार में निपानी जा। सुनिए सुनिए क्या क्या ये महिला पत्रकार पूछ रही है और क्या अब इस महिला लोग रिप्लाई कर रही है, सब सुनिए। प्रशांत किशोर को जानती है? प्रशांत किशोर की रैली में आई है, जानती है। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? जन स्वराज। जन स्वराज क्या है आज? क्या है आज रैली में? रैली में तो क्या हो रहा है वहाँ पे? प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज, आज दल बनने जा रही है। हाँ, तभी जाएंगे तो कहाँ होगा मीटिंग? हुआ देखी क्या होगा, क्या बोल के लावत लाएगा? हमने तो लाइन में जाके चले कर रैली में। क्या रैली में? जान सूरज के। हाँ, एक बोल के लाया गया है रैली में जाना है। कहाँ से आई है चाची? हम बिहार से आए। बिहार के कहाँ वोट देना है बार? अब देखो ये भाषण देगा ऊपर अपन पड़ेगा। कौन लाया है? मुखिया गांव के। मुखिया गांव क्या बोल के लाया है? चलो क्या चलो मतलब क्या क्या होना है आज? मीटिंग है। मीटिंग है किस चीज का? अरे ये जीतावे वाला। अच्छा, जीतावे ला। कौन मुख्यमंत्री बनिया है? अब देखो कौन है, भाषण देगा तब बुझाएगा। हाँ, जो सुनेंगे जो बनिया होगा। बिहार के अलग अलग कोने से आ रही है जन स्वराज का जो है आज रैली है पटना के वेटनरी कॉलेज में। यहाँ पे कुछ बच्चे भी है जो हाथ में झंडा वंडा लेके आए हुए है। कहाँ से आए हो? बका जिला से। कौन लाया? मेरे गांव का आदमी लेकर। क्या बोल के लाया गया है? बच्चा को लाया ऐसे। क्या है, झंडा किसका लिए हो? दिखाओ तो, कौन है ये? कौन है? पकड़ो झंडा, पकड़ो झंडा। में किसकी फोटो लगी हुई है? फोटो में कौन है? ये फोटो में कौन है बाबू? जन स्वराज की पार्टी है, जन स्वराज के लोगों में, गांधी जी, जन स्वराज के लोगों में जो है
गांधी जी का फोटो है, लेकिन ये बच्चा को नहीं पता, लेकिन कितना दूर से आया हुआ है। माँ पापा आए हैं? मेरा मम्मी पापा नहीं है, वही बोले झंडा लेके चलना है। पढ़ने जाते हो? नहीं जाते। हम आते नहीं आते हो? क्या कहाँ से आई है चाची? कहाँ से आई है? मनोहरपुर ले। हाँ, कहाँ जा रही है? प्रशांत किशोर किस चीज की राजनीति कर रहा है सर, एक बार सुनिए। प्रशांत किशोर आखिर लाना क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब बिहार के लोगों को क्या जानकारियां देना चाह रहे हैं? आइए आइए सुनते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से महिला पत्रकार जो है, मतलब आपने आवाजों को सुना, मैं तो जिस तरीके से महिला पत्रकार ने पूछा कि चाची कहाँ आई है, तो उनको नहीं पता है, कौन बुला के लाया है, तो मुखिया जी बुला के लाए हैं, तो क्या करने आई है, तो गोल घर घूमने आया है। प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं आप, ये कौन सी राजनीति है भैया, किस तरह की राजनीति बिहार में करने वाले हैं आप? एक पत्रकार, महिला पत्रकार के ऊपर एक पुरुष कार्यकर्ता जन सुराज पार्टी का, उन्होंने हाथ से तबड़ाक मारा कैमरा पे, क्यों? क्या महिला अगर आई हुई है, उस कार्यक्रम में आई हुई है, किस लिए आई हुई है, तो वो सारी चीजों की जानकारी अगर एक मीडियम यानी एक माध्यम से द एक्टिविस्ट के पत्रकार, महिला पत्रकार ज्योति राज अगर दे रही है, तो क्या गलती कर रही है? जवाब देने से आखिर आपके कार्यकर्ता जो है क्यों मारा, क्या किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं सर? बाकी देखें कि आप वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने, महिला पत्रकार भी कितना सही तरीके से सवाल पूछा, उन्होंने कोई ऐसा किसी तरह का गलत सवाल नहीं पूछा, लेकिन कार्यकर्ता जो है कैमरे पे हाथ मारा, मोबाइल को गिराने की कोशिश किया, लड़ गया, कहना है कि जो पूछना है मुझसे पूछिए, कहा भाई तू कहीं का नेता है, तुम्हारे बाप नेता बना के भेजा रे, कि तुमको जाके पूछेंगी, नेता पैदा किया तुम्हारे बाप है? प्रशांत किशोर जी अगर आप सही हैं तो ऐसे कार्यकर्ता को मत शामिल करिए, किसी को भी उठा करके राजनीति पार्टियों में, राजनीति गलियारों में शामिल कर देना, ये सबसे बड़ी बहादुरी की बात नहीं है सर, तो कृपया इस चीज़ को सही करिए, और कुछ कार्यकर्ताओं से कहीं ना ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी बदनाम हो जाए। नई नई पार्टी बनी है, उस पार्टी को सही से चलाइए, राजनीति सही करिए, और सारे लोग को सुरक्षित रखिए, पत्रकार हो, आम पब्लिक हो, किसी को किसी तरह का दिक्कत ना हो आपके कार्यकर्ता द्वारा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है कितने लोग इस वीडियो से सहमत हैं, और अगर आप जन स्वराज पार्टी से हैं, जन स्वराज के कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्या ये सही था या नहीं था। बाकी इस बार बिहार विधानसभा में किस तरह का वोटिंग होगा, और आप किसको वोट करना चाहेंगे, जन स्वराज पार्टी को करना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को करना चाहेंगे, या फिर RJD, बीजेपी, JDU और CPI माले को करना चाहेंगे,
या MIM को करना चाहेंगे, AIMIM? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।